करना चाहिए खेसारी लाल यादव को, पवन सिंह जी ने किया है। बिल्कुल मेरा ये सवाल है कि भाई दोनों फिल्में भले ही एक साथ रिलीज हो रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि एक साथ एक ही दिन पर दोनों फिल्में आ रही हैं, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल है और ऐसे में सब चाहते हैं कि उनकी फिल्म रिलीज हो, लेकिन पवन सिंह जो कि हर हर गंगे की हीरो हैं, उन्होंने संघर्ष 2 का प्रमोशन किया और उन्होंने कहा कि तो सबसे पहला, अगर सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो वो पवन सिंह खड़े होंगे। क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग भी हर हर गंगे की, हर हर गंगे का प्रमोशन करेंगे, मतलब मेघाश्री, खेसारी लाल यादव, आप लोग प्रमोशन करेंगे उनका? अरे यू नो, फ्रॉम दिस इंटरव्यू मैं पवन सिंह को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि यू नो उन्होंने उनके लिए एक प्रेस मीट में हमारे संघर्ष का उन्होंने प्रमोट किया है, सो आई रियली वांट टू थैंक हिम। एंड डेफिनेटली इवन मी खेसारी सर, हमारे लिए पूरे संघर्ष टूट टीम भी, हम हर हर गंगे को वी विल सपोर्ट इट, एंड डेफिनेटली ऑडियंस, भोजपुरी ऑडियंस, अक्टूबर 20 को हर हर गंगे भी रिलीज हो रहे हैं एंड संघर्ष 2 भी रिलीज हो रहे हैं, जाकर दोनों फिल्म्स को देखिए आप, हर हर गंगे को भी देखिए एंड संघर्ष 2 को भी देखिए, एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम फ्रॉम दिस इंटरव्यू। बिल्कुल मेघा, ऐसे ऐसी ऐसी चीजों से इंडस्ट्री में जो टुगेदरनेस है वो बढ़ती है, लोगों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए और हम सबको मिलकर सबकी फिल्मों का प्रमोशन करना चाहिए, उससे होगा ये कि ओवरऑल हमारी ही इंडस्ट्री बूम करेगी, हमें ही उसका फायदा होगा और हमारी ही फिल्में जो है वो बढ़िया व्यापार करेंगी, बढ़िया बिजनेस करेंगी। मेघा, आपने हर हर गंगे का ट्रेलर अगर देखा होगा, आपको लगता है कि इस फिल्म से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि भाई ये फिल्म बढ़िया हो सकती है या कम से कम संघर्ष 2 को टक्कर दे सकती है, आपको वो ट्रेलर देख के वैसा लगा? या मुझे लगा, मैंने हर हर गंगे फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, बहुत पसंद आया, मूवी का सब्जेक्ट जो है रिगार्डिंग गंगा रिवर, इट्स लाइक वेरी गुड थिंग एंड आल्सो एन गुड कॉज, so definitely मुझे बहुत पसंद आया एंड 200% चक्कर दे सकता है। संघर्ष 2 भी एक बहुत ही बड़ा फिल्म है एंड हर हर गंगे भी एक यू नो इट्स सेम मिनर इक्वल लेवल, सो डेफिनेटली दोनों बड़े बड़े फीचर्स, दोनों ले बड़े बड़े फीचर्स को ही टक्कर दे सकते हैं ना, 200% इट कैन गिव टक्कर, नो डाउट। मेघा, लेकिन उस ट्रेलर को लेकर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई, फिल्म की जो लीड एक्टर है स्मृति सिन्हा, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई, उन्होंने इस बात को लेकर रिएक्ट किया कि भाई उनके सीन्स जो है वो थिएटर में ना के बराबर है, और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई वो प्रमोशन फिलहाल नहीं कर रही हैं और जो इवेंट भी उसमें भी वो नहीं की। आपको लगता है कि हीरोइन के रोल्स कम है या फिर उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, वो प्रमोट नहीं करनी तो ये सही है? सर देखिए, लाइक रिगार्डिंग दिस मैटर मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो हमने हर हर गंगा फिल्म को हमने देखा ही नहीं, सो लाइक यू नो उनका मतलब रोल किया है किसी को भी नहीं पता, एंड आई थिंक इट इज यू नो हर थिंग एंड हर डिसीजन, आई विल यू नो रेस्पेक्ट दैट, मुझे मतलब ज्यादा यू नो इस चीज के बारे में नहीं पता कि उनका रूटीन के कुछ क्या हुआ, सो मैं यू नो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। नहीं, अगर आपके साथ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता, मेघाश्री के अगर सीन्स नहीं होते, सपोज कीजिए कि भाई संघर्ष 2 के ट्रेलर में मेघाश्री नजर ही नहीं आती है, एक आध बार नजर आती मिरेकल की तरह और फिर चली जाती, तो क्या मेघाश्री को ये बात बुरी नहीं लगती? सिर्फ इसलिए कि फिल्म की कहानी अलग बताई जा रही थी, इसलिए मेघाश्री को अगर ट्रेलर में जगह ही नहीं मिलती तो शायद मुझे लगता है कि आज उनका रिएक्शन होगा। अच्छा देखिए, सबका भी माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। मेरा मतलब माइंडसेट क्या है मैं आपको बोलती हूँ, जो भी मतलब फिल्म का मुझे ऑफर आता है, फर्स्ट मैं उस टीम के बारे में मैं पूछती हूँ कि हू इज द डायरेक्टर, हू इज द प्रोड्यूसर, हू इज द हीरो, कास्ट, सब कुछ मैं पूछती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं पूछती हूँ स्टोरी, उसमें यू नो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ये मैं यू नो फर्स्ट में क्लियर कट करती हूँ। एंड जब यू नो ट्रेलर का बात आती है, जब सॉन्ग का बात आती है, एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स यू नो मेरे अंदर एक सेल्फिश थॉट है कि यू नो जो भी फिल्म का
ट्रेलर या सॉन्ग रिलीज होता है कि यू नो मैं थोड़ा सा ज्यादा दिखू, थोड़ा सा खूबसूरत दिखू, ऐसा एक सेल्फिश थॉट एज एन आर्टिस्ट मेरे अंदर है. लेकिन यू नो उससे लाइक ज्यादा मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मेरा फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है या तो फिल्म, आई वॉन्ट इट टू बी एन हिट. अगर यू नो मेरा मतलब फरिश्ता का ट्रेलर रिलीज हुआ, आई वॉन्ट इट टू बी हिट एंड यू नो ज्यादा लोगों तक रीच हो जाए. उसके लिए यू नो इट इज एन डायरेक्टर्स कॉल. यू नो अगर वो मुझे ज्यादा दिखाए यो कम दिखाए, इट डजेंट मैटर टू मी. मेरे लिए सिर्फ ये मैटर होता है कि यू नो मेरी मतलब मूवी का ट्रेलर या मूवी हिट हो जाए एंड लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए. ये मेरे लिए मैटर होता है. एंड यू नो ऑफकोर्स जब मूवी रिलीज होता है तो लोग जाकर ऑफकोर्स मुझे देखेंगे, ऐसे मैं सोचती हूँ. इनफैक्ट जब हमारे फरिश्ते का ट्रेलर आया, फरिश्ता का, आप ना एक बार जाकर फरिश्ता का ट्रेलर अभी आप जाकर देखिए. ट्रेलर के शुरुआत ऑलमोस्ट आई थिंक 40 to 45 seconds आई एम नॉट देयर. मैं यू नो उसके बाद मैं आती हूँ, एक सॉन्ग बिट है और एक दो सीन का बिट है बस. लेकिन यू नो फिर भी ठीक है, मतलब मूवी के अंदर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो जो सीन्स है. मूवी का टीम दे डिडंट एडिटेड या काटा, वो लोग उसको एडिट नहीं किया है या तो काटा. सो ठीक है, मतलब मेरे लिए वो मतलब इम्पोर्टेंट है कि मेरे मतलब मूवी का ट्रेलर अच्छा होना चाहिए और लोगों तक ज्यादा रीच होना चाहिए और हिट होना चाहिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. एंड यू नो सबका भी एक थॉट होता है एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट. उनका भी मतलब स्मृति जी का थॉट को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए. वो मतलब उनका थॉट है एंड उनका और टीम का बीच क्या हुआ है ऑब्वियसली हमको नहीं पता. सो आई थिंक वी शुड नॉट कमेंट ऑन दैट. और मेरे साथ इस वक्त मेगा की है, मैं अपने तमाम लोगों